नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असवानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा 6 साल पूरे होने पर लोक भवन में प्रदेश में क्या विकास कार्य हुए हैं इसको लेकर जानकारी दी। वहीं आज प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार की उपलब्धियों को बताया गया। इसी क्रम में लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वार्ता करते हुए प्रदेश में हुए विकास को गिनाया। इस दौरान विधायक राजेश्वर सिंह, विधायक नीरज बोरा और विधायक योगेश शुक्ला सहित दर्जन भर लोग मौजूद रहे। वह इस दौरान प्राइम टीवी से खास बातचीत में सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। आप सब लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोगों के हर संभव सहयोग से उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी की सरकार बनी, और लखनऊ वासियों को भी विशेष रूप से बधाई देते हैं कि जिन्होंने समय समय के ऊपर मार्गदर्शन भी किया, सुझाव भी दिए और हर तरह से एक बेहतर जिंदगी जीने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी हर प्रकार का सहयोग दिया। सभी सबसे पहले हमने यही कहा था, योगी जी की सरकार जो दोबारा बनी उसके पीछे रूल ऑफ लॉ, सुशासन और विकास, यही मुख्य मुद्दे थे जिसकी वजह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा सत्ता में आसीन किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विस्तृत रूप से सभी आंकड़ों के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता में जो हमारी प्रदेश लेवल की योजनाएं थी उसके ऊपर प्रकाश डाला, और ख़ास तौर से प्रदेश में जो 25 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने 6 साल में किया उस पर ख़ास तौर से उन्होंने फोकस किया। योगी सरकार 2.0 के आज दूसरे सत्र के आज 1 साल पूरा है। हमारे साथ विधायक वरेश्वर सिंह जी हैं। सर, आज सरकार के 1 साल पूरे हैं, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक है, 1 साल में योगी सरकार ने इतने कार्य किए हैं जो पिछले 50 साल में कभी नहीं हुए। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज आज उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है, 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का जाल है, 6,90,000 करोड़ का बजट आया है जो हिंदुस्तान में दूसरा सबसे बड़ा बजट है, 33 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, 25 सेक्टोरल पॉलिसीज योगी आदित्यनाथ जी लेके आए हैं, चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, चाहे टूरिज्म क्षेत्र हो, चाहे डेयरी क्षेत्र हो, एक से एक अच्छी पॉलिसीज लाए हैं, और जनता का और विदेश की हर कंपनी का, देश की हर कंपनी का योगी आदित्यनाथ जी पे, उनकी पॉलिसीज पे बहुत विश्वास है। राहुल गांधी की कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को किसने देखा? अब वो लीगल कार्रवाई है, कोर्ट ने कार्रवाई करी है, कोर्ट के निर्णय का सबको सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ विधायक वजेश्वर सिंह थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम 1 सालों में, और साथ ही साथ हमारे पिछली सरकार में अगर जोड़ के देखें तो 6 सालों में उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि बदली है और विकास की रफ्तार में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आई है। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो आपने सुना कि विधायक राजेश्वर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 6 सालों में उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली है और उत्तर प्रदेश लगातार उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।